नाश्ता वगैरह, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं। अब अगर मैं प्रोकैरियोट्स के ऊपर बात करूं तो प्रो मींस क्या है? प्रो मींस प्रिमेटिव, 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 या फिर इसको आप नाम दे सकते हैं प्रिमेटिव या फर्स्ट, या फिर फर्स्ट का नाम दे सकते हैं। और कैरियोटिक सर वर्ड आवाज नहीं कहाँ आ से रही सर। आइसोलेट किया गया है? कैरियन से, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है कैरियन, जिसकी मीनिंग क्या होगी? न्यूक्लियस। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अगर आप मतलब देखें, इसकी मीनिंग देखें, तो प्रिमेटिव, प्रिमेटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रिमेटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा। प्रिमेटिव टाइप के न्यूक्लियस से मुराद क्या है? जिनके पास फॉल्स टाइप का न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? इन प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड, बाउंडेड ले आओ यार, ये चल नहीं रहे ना, कम उसके अंदर है। ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, कि आपके पास यूं कह लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, सपोज करें कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं किसको? ये ब्लैक नहीं चल रहा है, ब्लैक कोई कौन है, कौन मरा है, नजर नहीं आ रहा, किसको नजर नहीं आ रहा है यार? सर ब्लैक मार्कर बहुत लगता है, चेंज कर, ठीक है चेंज कर लिया मैंने ब्लैक मार्कर, लाइट जला के ऑन करके तो। अभी सही है, लाइट आ रही है, सही है सही है सही है सही है सही है, ठीक है। अच्छा देखें, प्रोकैरियोटिक सेल में ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया की एग्जांपल्स लेते हैं। कि ये क्या है? ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा ये जो एरिया है सारा का सारा, ये क्या है इसका? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जेनेटिकल मटेरियल है, ये बैक्टीरियल सेल का जेनेटिकल मटेरियल है, जिसको आप नाम देते हैं किसका? बैक्टीरियल क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। ठीक है, अब क्रोमेटिन से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स। तो बहरहाल इसको बैक्टीरियल क्रोमेटिन या बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का नाम भी दे सकते हैं, या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम का नाम भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसके अंदर क्या होंगे? फ्री राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स जानते हैं किसके अंदर होते हैं? याद रखिएगा, फ्री राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में होंगे। फ्री राइबोसोम, ये क्या है? फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम किसके ऊपर मौजूद होते हैं? राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? फ्री राइबोसोम्स हैं। फ्री राइबोसोम से मुराद ऐसे राइबोसोम जो विदाउट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और विदाउट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गॉल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और याद रखिएगा,
के जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिकल मटेरियल है वो डायरेक्टली प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? डायरेक्टली प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वो रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं होता। उसका बेसिक रीजन ये है, देखें, न्यूक्लियर मटीरियल को या जेनेटिकल मटीरियल को सेपरेट करने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इनके पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, एबसेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एबसेंट होने की वजह से इनका जो जेनेटिकल मटीरियल है वो डायरेक्टली किसके अंदर प्रेजेंट होगा, रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये तो आपके पास क्या था, चैट में क्या लिखा? अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो आपके पास क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल्स था। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद हम बात करते हैं किसके ऊपर, यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर, कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या कहलाएगा आपके पास। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। रिमूव करना है इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस कर, यूकैरियोटिक सेल क्या होगा? शेड आ रहा अभी, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यू मींस क्या होता है, यू मींस आप जानते हैं ट्यूब है, और कैरियोटिक वर्ड वही सेम है, कैरियन से निकला है, जिसकी मीनिंग क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में क्या कुछ होगा? अच्छा बेटा, आप में से मेरे ख्याल कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप दोबारा से कनेक्ट हो, दोबारा पासवर्ड और आईडी डालें और दोबारा से आप जो है कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी, यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, देखिए, नंबर वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। उसके बाद सेकंड क्या, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, कैसे देखें, मैं एक सेल ड्रॉ करता हूँ, एक एनिमल सेल, सपोज करें कि फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल सेल है, ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये है इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। देखें, डबल यानी कि साउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरी कौन सी होगी, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन ये है न्यूक्लियस, देखें न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, जिसको आप नाम देते हैं किसका, न्यूक्लियोप्लाज्म का, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये इसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होगा। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर इसके पास डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मुराद, जैसे के सपोज करें कि ये इसके पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मौजूद है इसके पास। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास। इसी तरीके से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये सारे के सारे क्या हैं, इनके पास गॉल्जी बॉडीज हैं, ठीक है, ये क्या है, गॉल्जी बॉडीज हैं, ठीक है।
गॉल्जी बॉडीज, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप बेहतर अंदाज के अंदर डिस्टिंग्विश देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्यूज्ड राइबोसोम्स होते हैं, फ्यूज्ड राइबोसोम। क्यों फ्यूज्ड राइबोसोम है, क्योंकि फ्री स्टेट में नहीं है। यहाँ पर राइबोसोम किसके साथ अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स होंगे। तो ये तो आपके पास क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल्स का, क्लियर। अब उसके बाद हम जाते हैं किसके ऊपर आगे, यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स के ऊपर, के कौन कौन से ऑर्गेनल्स होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। व्हाई न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ यंग सेल, ये मैं आगे जब साइटोप्लाज्म पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा, रुक जाए उसके लिए आप वेट कर लें थोड़ा सा। अब स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको क्यों सेंटर में होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। आपको मैंने कहा भी था रिकॉर्डिंग का, आप लोग कब से बार बार मैसेजेस किए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। मैंने आपसे कहा था कि मेरी क्लास मंडे ट्यूसडे वेनसडे होगी, तो मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं आऊंगा यहाँ पर। तो जब मैं मंडे को आऊंगा तो सारी रिकॉर्डिंग ले लूंगा यहाँ से और फिर मंडे को जाके अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और आपको लिंक उसके दे दूंगा। तो लिंक मिल जाएंगे आपको, चैप्टर नंबर 2 का जो टेस्ट 1 था, 2 था, 3 था और फाइनल टेस्ट था, उसकी मैंने कीज आपको अपने यानी कि हैंडराइटिंग के अंदर वो सेंड कर दी थी। चैप्टर 3 की कीज बाकी हैं, तो चैप्टर 3 की कीज आज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखिए यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर किस किस पे कंसिस्ट करता है, तो हम इसके अंदर देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा क्या होगा, सेल वॉल। तो बहरहाल चले वन बाय वन एक एक पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 साइटोप्लाज्म, ये है इसके अंदर। नंबर 2 न्यूक्लियस, और नंबर 3 आपके पास क्या है, नंबर 3 आपके पास आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और नंबर 4 अगर प्लांट सेल है तो क्या होगी, सेल वॉल होगी, और अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी और सिर्फ क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, साइटोप्लाज्म को, कि बेसिकली तौर के ऊपर साइटोप्लाज्म क्या है। देखिए अगर आप इनर साइड के ऊपर देखें ना, इनर साइड के ऊपर ऑन द इनर साइड ऑफ सेल वॉल अराउंड द प्रोटोप्लाज्म थिन डेलिकेटेड मेम्ब्रेनियस लाइक एक स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। देखें कि अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सबसे पहले क्या आ जाएगी, सेल वॉल आ जाएगी, सेल वॉल के बाद, और अगर एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद। देखिए मैं यहां बताता हूं, देखिए ऑन द इनर साइड, चले देख लेते हैं, ऑन द इनर साइड ऑफ सेल वॉल, अगर प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, ऑन द इनर साइड ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना, सेल वॉल के इनर साइड अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो सेल वॉल के इनर साइड अंदर की तरफ क्या होगा आपके पास, यानी कि थिन डेलिकेटेड मेम्ब्रेनियस लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन लाइक, एक मेम्ब्रेन लाइक क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसको आप किसका नाम देते हैं, आप जानते हैं उसको नाम दिया जाएगा किसका, सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। इनसाइड का, इनसाइड का सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आप जाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा, एक यानी के यूं कह लेंगे साइटोप्लाज्म। तो मैंने इसलिए कहा कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन आपके पास क्या प्रेजेंट है, द साइटोप्लाज्म, प्लाज्म इज प्रेजेंट, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर यूं कह सकते हैं,
ए साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, के साइटोप्लाज्म के अराउंड क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, और उस साइटोप्लाज्म के अराउंड बाउंडेड है ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर भी बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कि बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास क्या होगी। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70-90% क्या होता है वाटर होता है, बट इट अमाउंट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। लेकिन इसके अमाउंट के अंदर क्या पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन कैसे पाया जाएगा कि जो एक सेल में आपके पास यानी कि एक सेल के अंदर वाटर का अमाउंट है वो दूसरे के अंदर नहीं होगा। अच्छा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा का नाम भी दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, यानी कि द प्लाज्मा, अच्छा इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा का नाम भी दिया जाता है। इन द प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बात कर रहे हैं, इनर साइड नहीं, प्लाज्मा लेमा, यानी कि इसको आप किसका नाम दे सकते हैं साइटोप्लाज्म का नाम भी, सॉरी इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी कि मैंने अभी बात करी ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेरी मिस्टेक, ये हम पढ़ क्या रहे हैं साइटोप्लाज्म नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने तो ये चार आपको बताए थे, इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, चले इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये है प्लाज्मा, यहाँ समझे साइटोप्लाज्म हम पढ़ रहे हैं, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड के अंदर, कहीं आप समझे कि जो है हम प्रोटोप्लाज्म को पढ़ रहे हैं, नहीं, ठीक है। इनर साइड थिन डेलिकेटेड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, या फिर साइटोप्लाज्म इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा, इसको हम प्लाज्मा लेमा का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, composed of या contain या consist of phospholipids, इसमें क्या होगा phospholipids and protein, phospholipids होगा, protein होगा, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होगा, कैलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट की सिचुएशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ मौजूद होगा उसके ऊपर भी बात करते हैं, या फिर चले मैंने लिख दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, चले इधर देखें फॉस्फोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड कैलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, ये एब्सेंट होगा, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, कैलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे किसके अंदर, एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या होंगे आपके पास एब्सेंट होंगे, और इसके अलावा बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा फंजाई, याद रखिएगा ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये जो कैलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल्स हैं बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो आपके पास यूं कह लीजिए कि फंजाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके पास एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मजीद बात की जाए, क्या हुआ, कोई मसला हो गया, अच्छा फंजाई के साथ साथ किसके अंदर प्लांट क्या हुआ, चार्जिंग नहीं हो रही, जा रही है इसकी बैटरी कैमरे की, अच्छा फंजाई के साथ साथ एक और लिख लें प्लांट को भी लिख लें, यहाँ पे तीन चीजें इनके अंदर जो है कैलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होंगे एब्सेंट होंगे। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा अगर मजीद इसके अंदर हम डिस्कस करें कि अब आपके पास देखें द
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इज नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है ना, अंडर आपके पास क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट ओनली विजिबल अंडर, क्लियरली जो विजिबल होगी ना वो कहाँ होगी, क्लियरली विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपको बहुत ज्यादा क्या है, क्लियरली विजिबल होगी, ठीक है। अच्छा जी, द बेसिक बेसिक कंपोजिशन, बेसिक जो कंपोजिशन है, बेसिक कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑल एलिमेंट या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर। कि जो आपके पास बेसिक इसकी केमिकल कंपोजिशन है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगी, सिमिलर होगी। वेरिएशन क्यों होती है, किसके अंदर वेरिएशन क्यों होती है, पूछिए मुझसे। आपने लिखा है वेरिएशन क्यों होती है, सैफुल्ला और सिद्रा आवान, किस में वेरिएशन क्यों होती है, जल्दी से बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलूं। चलें आप लिखिएगा, साइटोप्लाज्म में जैसे आपने वाटर का बोला, जी बिल्कुल बोला मैंने वाटर का, और चलें आप लिख दीजिएगा चैट पे। अच्छा, और यंग सेल में, जी यंग सेल में क्या बताएं तो मुझे, यंग सेल, और यंग सेल में न्यूक्लियस सेंटर, मैं बताऊंगा, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, रुक जाएं आप, रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। या चले सुन लीजिएगा, यंग सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान जो यंग सेल होता है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। मैंने आपको तीन फेजेस बताए थे, फॉर्मेटिव फेज, एलोंगेशन फेज और मैच्यूरेशन फेज। फॉर्मेटिव फेज में जो भी न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और उनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ऑर्गेनल्स का साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो सेल क्या करता है, एंड ऑस्मोसिस करता है, ठीक है ना, एंड ऑस्मोसिस करता है, वाटर को, न्यूट्रिएंट को इनसाइड लेके जाता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसमें जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है उनका साइज भी बढ़ जाता है, और जब उन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का साइज बढ़ जाता है तो वो सेंटर थोड़ा सा साइट के ऊपर, थोड़ा सा क्या होता है, साइट के ऊपर आ जाते हैं। तो ये बेसिक रीजन होता है, और इसके अलावा कोई ऐसा बेसिक रीजन नहीं है कि यंग सेल में क्यों वो सेंटर में है और मैच्योर सेल के अंदर क्यों वो आपके पास जो है एट लाए ऑन द वन साइड ऑफ सेल, के थोड़ा सा एक साइट के ऊपर होता है, सेल के ऊपर, ये बेसिक रीजन है, ठीक है। अच्छा जी, तो सर मतलब क्वांटिटी में फर्क होता है हर सेल में, किस चीज की क्वांटिटी में फर्क होगा हर सेल की, आप आधा क्वेश्चन कर रही है, मुझे बताएं किस चीज की क्वांटिटी में फर्क होगा। सिद्रा, किस चीज की क्वांटिटी में फर्क होगा, आप बताइए मुझे यहाँ पर, जल्दी से बताएं चैट पे, मैं खड़ा हूं अभी स्क्रीन के आगे, फिर नहीं तो मैं जाऊं पढ़ाना शुरू करूं। सर आपने बोला था कि वाटर का अमाउंट डिफरेंस होगा हर सेल में, देखिए मैंने क्या बताया था कि 70-90% वाटर होता है, लेकिन इसमें वेरिएशन पाया जाता है, किसी सेल में 70% हो सकता है, किसी में 80, किसी में 85, किसी में 90, 70 से बिलो नहीं जाएगा, 90 से अब अप नहीं जाएगा, ये वेरिएशन, क्योंकि हर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिफरेंट होती है। आप कहें कि हर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेम हो तो ऐसा नहीं हो सकता, आपकी बॉडी में भी कितने सेल्स हैं, और आप कहें कि जनाब आपकी बॉडी में जो तमाम सेल हैं उन तमाम सेल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सबकी बैलेंस हो, इक्वल हो, एक जैसी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। 19-20 डिफरेंस होता है इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, कि इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन शॉट ले लें तो ले लें, नहीं तो फिर जल्दी से आगे चलते हैं, रिमूव कर दूं, ठीक है जी। अच्छा देखिए, उसके बाद
उसके बाद देखें साइटोप्लाज्म क्या है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की इसके अंदर क्या होती है, टू लेयर्स होती है, बाय लेयर, यानी कि क्या होगी, बाय लेयर। बाय लेयर से मुराद क्या है, टू लेयर्स, यानी कि कितनी फॉस्फोलिपिड्स की लेयर होंगी, दो लेयर्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ यानी कि फॉस्फोलिपिड्स की टू लेयर है, इसीलिए तो आप कहते हैं ना कि सिंगर और निकोलसन का आपको मॉडल पता होगा कि जो उसने दिया था कि जो आपके पास लिपिड है बेसिकली वो क्या है, टू लेयर्स, लुक लाइक अ सैंडविच, ठीक है। इसको भी मैं आगे जा करके डिस्कस करता हूँ। अब फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, फॉस्फोलिपिड्स की आपके पास कितने, दो रीजन है, एक जो फॉस्फोलिपिड्स का रीजन है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक रीजन है, और दूसरा कौन सा है आपके पास, हाइड्रोफोबिक रीजन है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन, इसके अंदर कितने रीजन होंगे, दो रीजन होंगे, एक हाइड्रोफिलिक है और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक क्या है, नॉन पोलर रीजन, और जो आपके पास, आपके पास जो है ये क्या है, पोलर रीजन है। इधर पानी मंगवाइए एक मिनट के लिए। अच्छा, तो दो रीजन है आपके पास, ठीक है, एक हाइड्रोफोबिक और दूसरा इसका हाइड्रोफिलिक। मेरे ख्याल में हाइड्रोफोबिक और थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि जो हाइड्रोफोबिक है वो नॉन पोलर है, मेरी मिस्टेक हो गई, पानी ले आइएगा, थोड़ी सी मेरी मिस्टेक, ये हमने, मैंने अपोजिट कर दिया, ये पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर रीजन। नॉन पोलर रीजन, ठीक है। अच्छा देखें, जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये क्या होगा, प्रेजेंट अपोजिट, अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अब कैसे, ये मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। डायग्राम में देखते हैं इसको कि डायग्राम में क्या होगा। देखिए यहां पर इसकी डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, इसकी डायग्राम को मैं ड्रॉ करता हूं, आप देखिएगा। देखें होगा क्या, ये मैं लिपिड की, फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर, बायलेयर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, आप देखिए यहां पर बस इतनी काफी है हमारे लिए। लिपिड्स के बायलेयर में ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, चलिए देखें लिपिड्स की बायलेयर, अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि लिपिड्स की बायलेयर में पोलर और नॉन पोलर कौन सा है, कौन सी हाइड्रोफिलिक है और इसके अंदर कौन सी हाइड्रोफोबिक है, ठीक है।
देखिए इस तरीके से, ये जो अपोजिट है ना एक दूसरे के, ये जो एक दूसरे के प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपोजिट है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये जो ऊपर और नीचे की तरफ मौजूद है, ये आपके पास क्या है? हाइड्रोफिलिक। ये भी क्या है? हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बताया कि जो आपके पास यानी कि हाइड्रोफिलिक के अपोजिट टू ईच अदर होगी और जो हाइड्रोफिलिक है अप एंड डाउन होगी। अच्छा, ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे देखें, देखिए यहाँ पे लुक लाइक अ सैंडविच, जैसे कि एक सैंडविच बन रहा हो, ठीक है ना, सैंडविच के तरीके से। और इसके अलावा इसके ऊपर जो है इस तरीके से, इनके ऊपर क्या मौजूद होगी? देखिए ये प्रोटीन्स मौजूद होगी, प्रोटीन्स पार्टिकल जो कि लूज कंसेंट्रेशन में इनके पास क्या होंगे? मौजूद होंगे। और उस प्रोटीन के साथ में ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को आप किसका नाम दे रहे हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम दे रहे हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और इसके साथ इस तरीके से देखें, ये है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा ये जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके साथ में अटैच होंगे? वो अटैच होंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन लुक लाइक अ मॉसेक, मॉसेक कंडीशंस के अंदर मौजूद होगी। देखिए सपोज करें, फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से देखें, इस तरीके से देखें, इस तरीके से ये कौन सी है? ये है, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसको इंट्रिजियल प्रोटीन का नाम भी देते हैं। और ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको पेरिफेरल प्रोटीन का नाम भी देते हैं, पेरिफेरल, ठीक है। अच्छा, पेरिफेरल क्यों कहा जाता है? पेरिफेरल का मतलब होता है पर्दा, लेयर, एक पर्दे की बात या लेयर। तो ये उस, अब देखें ये एक ऊपर की तरफ क्या है, एक लेयर मौजूद है। किसकी लेयर मौजूद है आपके पास? ये है फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। ये इस फॉस्फोलिपिड्स की क्या है? एक लेयर है। और इसके साथ में देखिए ये अटैच है कौन सी प्रोटीन आपके पास? एक्सट्रिंसिक। कैसे अटैच होगी? लूज कंसंट्रेशन, लूज कंडीशन के अंदर। कैसे अटैच होगी? लूज कंडीशन के अंदर अटैच होगी। और उसके साथ क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए इसको, इसीलिए इन दोनों की एसोसिएशन है, तो इसको ग्लाइकोलिपिड्स भी कहा जाता है। उसको किसका नाम दिया जाता है? ग्लाइकोलिपिड्स का नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन लुक लाइक मॉसेक, लुक लाइक मॉसेक, मॉसेक जैसी है। मॉसेक किसको कहते हैं? स्फेरिकल कंडीशन,